चलो आज स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स पढ़ चुके हो तुम लोग। बोलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स पढ़ा है? यस सर। कुछ ऐसा होता है। यस सर। इसमें इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस इसको बोलते हैं फोकस। दो फोकस होते हैं मालूम है? हाँ सर। यस सर। इसको बोलते हैं ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, है ना? हाँ सर। और इसमें दो फोकस होते हैं, दोनों फोकस का उसके सेंटर से डिस्टेंस AE होता है। यस सर। S2 के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं AE,0। इसको बोलेंगे माइनस AE,0। E इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स होता है। कौन है भाई 1000 रुपए कमाएगा? सर रोनेल नाम का कोई था सर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसा ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ये सब यस सर। यस सर। अच्छा और सेंटर को ओरिजिन ले लें तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स का होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। मालूम है इतना? यस सर। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है तो इसको जल्दी से इतना कॉपी कर लो फिर केपलर्स लॉ पे आते हैं। जल्दी से
सर वो E इक्वल टू क्या हुआ? सर वो E इक्वल टू क्या लिखा है? इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। वन मिनट सर। अब देखो, केपलर का फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने सजेस्ट किया कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, ऑप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। सो सॉरी, प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन in an elliptical orbit with sun at one of its focus. So, law यही है, थोड़ा problem solving के point of view से देखा जाए तो ये elliptical orbit है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये पॉइंट मान लो सन है, प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिट में यहां पर सन मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा प्लैनेट से, प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा सन से, और यहां पर प्लैनेट मिनिमम डिस्टेंस पर होगा सन से, होगा? यस सर। इस मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस में, बड़े हो गए तुम लोग ज्योग्राफी में भी, इसको एपोगी और पेरिगी कहते हैं, पढ़ा है ऐसा कुछ बचपन में? बोलो बोलो। नो सर।
कुछ भी बोलो, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि तुम लोगों ने पढ़ा हो, कोई बात नहीं। ये जो सन का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है, इसमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको एपोगी या एपिहिलियन भी बोलते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, APOGEE एपोगी बोलते हैं, और इसको पेरिगी बोलते हैं। यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो वी टू है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी वी वन है। कॉमन सेंस से देखो, लॉ इतना ही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या क्या यूज होगा वो बता रहा हूं। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इनटू मास ऑफ प्लैनेट इनटू वी टू स्क्वायर अपॉन आर टू, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. इस पॉइंट पर वैसे ही जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट इनटू वी वन स्क्वायर अपॉन आर वन, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। आर टू पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, मतलब वी टू मिनिमम होगा। यस सर। वी वन मैक्सिमम होगा स्पीड, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ये आपका हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स वाला इक्वेशन। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर देखेंगे तो माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सन अपॉन आर, जो कुछ भी हो, प्लस हाफ मास ऑफ प्लैनेट इनटू वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, ये एक टूल होगा हम लोगों के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यस सर। और तीसरा टूल जो होगा वो होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या है, किसी भी पॉइंट पर लिखोगे तो वैसे तो आर क्रॉस पी कर सकते हैं, बट पी हर जगह आर के परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट पर एपोगी और पेरिगी पर तो होगा ही ना। सो मास ऑफ प्लैनेट इंटू वी वन इंटू आर वन इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट इंटू वी टू इंटू आर टू, ऐसा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, यही तीनों टूल है जिससे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, बट पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं, वैसे ही केपलर्स फर्स्ट लॉ को ऑर्बिट बोलते हैं। बोलो, रिपीट कर सकते हैं क्या सर? वी वन और नहीं आवाज आई तुम्हारी, क्या बोले, क्या लिखा है वो? हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं आवाज आ रही है बेटा आपकी।
सर वो पेरी क्या लिखा है सर वो पेरिगी PERIGEE पेरिगी और वो है एपोगी APOGEE मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एपोगी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज पेरिगी थैंक यू सर तो थोड़ा नीचे आगे बढ़ूं सर एक सेकेंड सर यस सर यस सर
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। सपोज ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पर कहीं सन है फोकस पे, यहां पर मान लो कोई प्लैनेट है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो इस प्लैनेट की वेलोसिटी इधर है, तो ये प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर आर, ये प्लैनेट की का वेलोसिटी वेक्टर वी। तो थोड़ी देर के बाद ये प्लैनेट मान लो यहां से यहां पहुंच गया डीटी टाइम में, यहां से यहां पहुंच गया, ये बहुत छोटा टाइम है, मैंने इसको ज्यादा गैप दिया है, तो छोटे टाइम में डीटी टाइम में यहां पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा ब्लू वाला, इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी वी डी टी, होगी? बोलो। और इस डी टी टाइम में जितना एरिया स्वेप्ट आउट करेगा पोजीशन वेक्टर, वो क्या होगा, इस ट्रायंगल, इसको पी कह दो, इसको पी डैश कह दो, तो एस पी पी डैश का एरिया होगा, बोलो। यस सर। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ, बेस क्या होगा डिस्टेंस एस पी, और हाइट क्या होगा, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये हाइट होगा, समझ रहे हो? यस सर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा आपका, ये परपेंडिकुलर वी डी टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सर ये वाला नहीं समझा, एक और बार समझा सकते हो? चलो समझा देता हूं, इस ट्रायंगल को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, उसको छोड़ दो, इधर देखो, ये है S, ये है P, dt टाइम में, तो जिधर वेलोसिटी वेक्टर है उधर जाएगा, तो ये यहां से यहां गया, ये डिस्टेंस हो गया वी डी टी, और ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, है ना, इस एरो को हटाओ, एरो से भी कंफ्यूज नहीं करना ऐसे, तो ये हो गया पी, ये हो गया पी डैश, और ये हो गया एस। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया M, डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होगा,
एस टू पी पोजिशन वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। yes, तो वी डी टी का ये वाला कंपोनेंट वी डी टी साइन 180 माइनस थीटा होगा। कौन सा वाला समझा नहीं, किसी काम के हो ही नहीं तो। हाँ सर समझ गया सर। ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। हाँ सर वो समझा सर। समझा। और ये लाइन VDT है, ये पाई माइनस थीटा है, तो ये VDT साइन पाई माइनस थीटा होगा। यस सर। इनटू पी डैश एम, तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ एस पी को आर के बराबर, पी डैश एम को वी डी टी इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ये हो गया हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा इंटू डी टी इज डी ए। सो डी ए अपॉन डी टी इज हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा। इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो गया एम वी आर साइन थीटा अपॉन टू एम हो गया। यस एम वी आर साइन थीटा कुछ और नहीं एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा होगा। यस सर। सो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट इट मींस डीए बाय डीटी is equal to mod of L by 2M is equal to constant rahega. तो इसी बात को लॉ के फॉर्म में केपलर ने कहा, तो केपलर के लॉ के फॉर्म में कहने का मतलब ये हुआ कि प्लैनेट्स moves around sun in such a way that its position vector with respect to sun sweeps out equal area in equal time interval। यही मतलब हुआ। Yes sir। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा ना ये एक्चुअल लॉ है और ऊपर वाला समझो तो उसका प्रूफ है। ठीक है ओके सर। तो ये इसको कॉपी करो तो ध्यान से देखोगे तो केपलर सेकेंड लॉ कुछ और नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है।
कॉपी कर लीजिए। हेलो सर, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। बोलेगा
हो गया? नो सर, वन मिनट. जैसे ही हो जाए बोल देना, मैं यहीं बैठा हूं. हो गया? यस सर, हो गया. नेक्स्ट थर्ड लॉ. इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं. केपलर ने कहा था कि एक प्लेनेट को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा. आई मीन दैट इज ए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट
अराउंड सन. इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस. सो टी स्क्वायर इज प्रपोज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. इसको थोड़ा और ठीक कर दूं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए को मैं लिख सकता हूं आर मैक्स प्लस आर मीन अपॉन टू. एपोगी और पेरिगी का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का सम टू ए होगा. ओ भाई साहब किसी भी प्लेनेट के का सन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का सम 2a होगा. यस सर. तो a होगा r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम बाय 2. यस सर. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट वाला फॉर्मूला अगर देखोगे तो उसमें टी स्क्वायर क्या मिला था लास्ट की क्लास में बताया था. देखो ओ भाई साहब बड़ा मुश्किल है यार तुम लोगों को पढ़ाना. कुछ नहीं पढ़ते हो ना कुछ याद रखते हो. पता नहीं कैसे चलेगा तुम लोगों का. 2π बाय रूट जी एम पी इनटू ये कह रहा हूँ ये दिख रहा है. यस सर. तो वहां पर सैटेलाइट था प्लेनेट के चारों ओर तो मास ऑफ प्लेनेट है उसकी जगह यहाँ पर मास ऑफ सन होगा. यस सर. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू या एक ही बार टी इज इक्वल टू लिख देता हूँ. टी इज इक्वल टू 2π अपॉन अंडर रूट जी इंटू मास ऑफ सन इंटू ए टू द पावर 3/2 या आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2 टू द पावर 3/2. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा. ऑल्दो केपलर्स लॉ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं मिला था केवल ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन मिला था. अच्छा रही बात इस फॉर्मूला को तो डेरिवेशन जरूरत नहीं है लेकिन अगर चाहिए तो इसको डिराइव कर सकते हैं मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से. Using law of conservation of energy and law of conservation of angular momentum से इसको derive कर सकते हैं. चाहोगे तो करके दिखा दूंगा अभी. पहले इतना copy कर लो. ये हो गया third law की कहानी.
हो गया। हो गया यस सर। सर्कुलर ऑर्बिट में जितने भी डेरिवेशन किए थे, जस्ट आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। उसमें रेडियस की जगह ए पुट कर दोगे तो वही रिजल्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए यूज होगा, चाहे वो टाइम पीरियड का हो या टोटल एनर्जी का हो। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? सुन रहा है कुछ तुम लोग? यस सर। फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विल बी सेम एज ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बाय रिप्लेसिंग आर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए। ये याद रखने का तरीका है। जैसे ऊपर देखा था टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π अंडर रूट जी मास ऑफ सन ए टू दी पावर 3/2 टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता था? माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2R होता था, तो यहाँ पर 2A हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो जस्ट ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। ये दोनों कॉपी कर लो, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ
कुछ बोल रहे हो? Done, sir. हो गया? Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं. एससी भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में हम लोग, उसमें शायद एक भी क्वेश्चन केपलर्स लॉ का नहीं रहा होगा, है ना? यस सर. ये सॉल्व कीजिए.
आया आंसर, बोलो। यस सर। तो बोलोगे, रुका हुआ हूँ कि कोई तो आंसर बोले, बट क्या आया बताओ? 3.5 × 10⁵। देखते हैं आंसर बता रहे। हाँ, 3.5 × 10⁵, ऐसा कुछ। यस सर। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ 13 टाइम्स पर ईयर, मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का 1/13 होगा। यस सर। है ना, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ फ्रॉम सन। सो आई मीन अर्थ और सन का रेशियो टू मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ और मून का रेशियो यह 392 दिया हुआ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ सन टू मास ऑफ अर्थ। तो मुझे मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ ढूंढना है। आया समझ में? यस सर। तो यस सर, यहां से इस एक्सप्रेशन से मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/√g मास ऑफ अर्थ इनटू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/13। ये क्या हो जाएगा? 2π/√g मास ऑफ सन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन टू द पावर 3/2, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। तो यहां से फाइनली इस सब को इधर ले जाओगे तो मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ ये मुझे मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ का क्यूब हो जाएगा और नीचे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा? यस सर। तो अर्थ सन और मास और 392 दे रखा है ये, तो ये हो गया 392 का क्यूब अपॉन 13 स्क्वायर, यही किया था? यस सर। तो इससे आपको मिल गया 3.56 × 10⁵। आगे बढ़े सर, डिनोमिनेटर में 132 कैसे आया? क्या सर, डिनोमिनेटर में 132 कैसे आया? 132 नहीं है, 13 का स्क्वायर होगा वो। ओके हाँ सर, 13 का स्क्वायर है। अच्छा लिख दो ऐसे, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट कोशिश कीजिए इसको।
आया कुछ? यस सर। क्या आया? 15 × 10³। वेरी गुड, 15 × 10³। कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन है। यस सर। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहां पर सन है और ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, आर कैपिटल एम बोल दो मैक्सिमम डिस्टेंस को, और ये है मिनिमम डिस्टेंस, है ना, आर स्मॉल एम बोल दो। स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट फार्देस्ट पॉइंट, मतलब ये दिया हुआ है मुझे 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड, तो नियरेस्ट पॉइंट पर यहां पर स्पीड पूछा है ना? यस सर। ऊपर बताया था एपोगी और पेरिगी के बीच अगर ये लगा दोगे मोमेंटम कंजर्वेशन, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं V × r min इज इक्वल टू 5 × 10³ × r max। तो V हो गया मेरा 5 × 10³। आर मैक्सिमम और आर मिनिमम कितना दिया है? क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा कोई, मुझे पता है ना तुम लोग इतने सिंसियर हो। 1.5 × 10⁷ और 0.5 × 10⁷। तो 1.5 × 10⁷ अपॉन 0.5 × 10⁷। तो ये फाइनली हो गया 15 × 5 × 3 = 15 × 10³ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे रख दे, अरे उल्टा कर। चलो एक ये क्वेश्चन देखो। हेलो सर। हाँ बोलो सर। कैन यू स्क्रॉल अप? क्या है इसमें? MVR इक्वल टू MVR करना है इसमें भी, स्क्रॉल अप बना कर है कितना सर। 1 मिनट। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो सर। एक सेकंड सर। अरे क्या है इसमें, देख के लिख भी नहीं सकते हो तुम लोग, से तो मैं मतलब क्लास 10th से भी बेकार हो यार तुम लोग। ड्राइंग के टेस्ट के जैसा जैसा ऐसा लिखा है घुमा रहे हो। एक बार जैसे ही बोल दी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो कुछ एक वर्ड पूछना भी नहीं चाहिए इसमें।
एक तो ऐसे भी 100% सबसे सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यार रुको, इतना बड़ा नहीं करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा लगेगा, तुम लोग डर जाओगे। बहुत ज्यादा अच्छे डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो। इसको कोशिश करो, ये अच्छा क्वेश्चन है एक।
आया कुछ सर? हाँ बोलो सर, इसमें आर ढूंढना है। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है ना, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम जो इलिप्टिकल पाथ का है वो ढूंढना है। यस सर, वो आया 5a/4। देखो इधर, पहले इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था। यस सर। और ये जो अर्थ है ये इसके सेंटर पर था, यहां पर इसको वेलोसिटी मिली, तो सर्कुलर ऑर्बिट से ज्यादा वेलोसिटी मिल गई तो एनर्जी बढ़ गई, तो अब ये ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगा। यस तो मिनिमम डायग्राम में ही दिख रहा है, ये मिनिमम डिस्टेंस है ए। यस सर। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे ढूंढना है। यस सर। है ना? यस सर। ये आर मुझे ढूंढना है, ठीक है? यस सर। तो ये जो वेलोसिटी है वी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आपका हो जाएगा वी प्लस वी नॉट, लिखा भी हुआ है, दैट इज अंडर रूट 5/4 इंटू वी नॉट, ऐसा हो जाएगा। यस दैट इज अंडर रूट 5/4 इंटू जी एम अपॉन ए, ऐसा हो जाएगा। और ये यहां पर की वेलोसिटी हो गई, लेट इट बी वी टू, ठीक है? यस सर। तो वी टू मुझे मिल गया, मिल गया। यस सर। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे तो वी वन भी मिल जाएगा, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम ऐसा लिख सकते हैं वी टू इंटू ए इज इक्वल टू वी वन इंटू आर। यस सर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा वी वन इंटू आर इज इक्वल टू वी टू इंटू ए, सो ए हो गया और ये हो गया अंडर रूट 5/4 जी एम अपॉन ए। हो गया ऐसा? यस सर। दूसरा टूल मेरे पास है एनर्जी कंजर्वेशन, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पर लिखेंगे सो माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन ए प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, वहां पर वी टू है, सॉरी वी टू स्क्वायर
समझा कुछ? यस सर। इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, जो कि मुझे नहीं पता है, प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। तो हम लोगों को आर ढूंढना है, तो यहां से वी वन को आर के टर्म में यहां लिख सकते हैं। सो माइनस जी एम अपॉन ए प्लस हाफ वी टू कितना है? जी एम अपॉन ए रूट जी एम अपॉन ए, तो ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर जी एम अपॉन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस हाफ वी वन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा फाइव जी एम अपॉन ए। हो गया ऐसा? यस सर। यस सर। तो सारे जीएम को हटा दो सर, नीचे फोर भी होगा। हाँ एक फोर भी होगा, सारे जीएम को हटा दो। सारे जीएम को आप हटा देंगे तो इधर हो जाएगा शायद वन बाई टू ए माइनस साइन के साथ, इधर हो जाएगा माइनस वन बाई आर, इधर हो जाएगा प्लस ए बाई एट आर स्क्वायर, ऐसा कुछ? यस सर। हो गया ऐसा? फाइव भी होगा, यहाँ फाइव भी होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम ले लोगे एट आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एट आर प्लस फाइव ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए। इसको इधर ले जाओ, सो माइनस एट ए आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू एट टू जा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ए आर प्लस फाइव टू जा टेन ए स्क्वायर। अब ये आर में क्वाड्रेटिक बन गया। यस सर। तो ये हो गया एट आर स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए इंटू आर प्लस टेन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है टू सब में से चला जाएगा, सो फोर आर स्क्वायर माइनस एट ए इंटू आर प्लस फाइव ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये आर में क्वाड्रेटिक है? यस सर। तो आर की वैल्यू पुट कर दो माइनस बी दैट इज एट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज सिक्सटी फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो कितना हो जाएगा? 80 ए स्क्वायर। कुछ गलत किया है, कुछ गलत है, 64 माइनस 80 चला ज्यादा हो जाएगा, कुछ गलत किया है। देखो तो एक बार, कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में गलत किया होगा तो मिल जाएगा। कॉपी करते रहो, कॉपी करते वक्त दिख जाएगा अगर कहीं गलती होगी तो।
एक एक स्टेप समझ के कॉपी करते रहो, कोई गलती होगी तो दिख जाएगी। गलती मिल गई ना सर, वो आर नहीं लिखा उधर, फाइव वो सब सही है सांसो। यहाँ पर वी टू स्क्वायर है ना, तो वी टू स्क्वायर ये थोड़े ना है, वी टू तो इतना बड़ा टर्म है। लिखा गलती? यस सर। वी टू स्क्वायर तो होगा फाइव बाई फोर जी एम बाई ए, तो ये हो गया माइनस ए प्लस फाइव बाई एट ए। माइनस ए प्लस फाइव बाई एट ए कितना होगा? माइनस वन बाई ए प्लस फाइव बाई एट, माइनस थ्री बाई एट। बाकी सब सही है, यहाँ पर माइनस थ्री बाई एट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन 8a। यहां पर भी होगा माइनस थ्री अपॉन 8a। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 जाएगा, यहाँ 8r स्क्वायर की जगह 3r स्क्वायर होगा, यहाँ पर 16 की जगह 8 होगा, और यहाँ पर 10 की जगह 5 होगा। ठीक है? यस सर। तो ये तुम्हारा ऐसा होगा। ये आपका हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 8ar प्लस 5a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो r इज इक्वल टू माइनस b, दैट इज 8a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज 64a स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 4 जा 23 60 a स्क्वायर अपॉन 2 a दैट इज 6, है ना? यस। ये हो गया 8 a प्लस माइनस 2 a अपॉन 6। तो यहां से r की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो a और दूसरा 8 प्लस 2 10 बाय 6 दैट इज 5 बाय 3 a। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ए, 5 बाई 3 ये मैक्सिमम डिस्टेंस। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, जिसका इसका हो जाए उसके बाद जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म।